नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शारदीय नवरात्र 2024 कब है, कब होगा घट स्थापना का सुमुहूर्त और कब अष्टमी, नवमी और विजयादशमी कब मनाई जाएगी। पंचांग की माने तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है और नवरात्र का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है। 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और नवरात्र की अष्टमी, नवमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। तो 2024 में शारदीय नवरात्र कब से कब तक है, कलश स्थापना मुहूर्त क्या है। सबसे पहले तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का पर्व 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन से प्रारंभ होगा और प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:18 पर होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर की सुबह 6:15 से 7:22 तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में अगर आप करना चाहें तो सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 के मध्य कर सकते हैं और दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। दुर्गा नवमी 11 अक्टूबर 2024 को होगी और विजयादशमी, जिसको हम दशहरा कहते हैं, 12 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो कलश स्थापना के साथ नवरात्र शुरू हो जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन, कलश या घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों की माने तो कलश स्थापना का सुमुहूर्त में ही अगर आप करें तो उत्तम है। नवरात्र के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर कलश या घट स्थापना करें। कलश स्थापना से पहले मिट्टी से भरे बर्तन में सप्त धान्य बोलें और इस मिट्टी के ऊपर जल से भरा एक कलश रखें। कलश में रौली से स्वस्तिक बनाएं। कलश के ऊपरी भाग में कलावा बांधें। अब कलश के अंदर एक सुपारी, एक सिक्का डालें और हल्दी की गांठ भी डालें। दुर्वा घास आप डाल सकते हैं। कलश के ऊपर अशोक या आम के पंच पल्लव रखें और याद रखिए, कलश के अंदर आपको पानी में डालना है हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी और दुर्वा घास। अब जब पंच पल्लव रखेंगे, इसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर स्थापित कर दें कलश के ऊपर। और इस तरह से घट स्थापना पूर्ण होने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश की, फिर समस्त देवी देवताओं का आवाहन करें और विधिवत माँ शैलपुत्री की पूजा करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।